एक बार एक नदी होती है, तो एक बार नदी को बहुत मतलब नदी बहुत वो होती है ना, बहुत वेग होता है नदी में और बहुत ही पावरफुल होती है नदी, नदी का पानी सब कुछ बहा कर ले जाता है। तो एक बार नदी को बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं तो सब कुछ बहा सकती हूँ, और वो समुंदर से आकर कहती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चट्टान तोड़ के ले आऊँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए मकान के मकान ढहा कर ले आऊँ, या पेड़ ले आऊँ, पौधे ले आऊँ, मनुष्य को ले आऊँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो ला कर दूंगी। समुंदर को, समुंदर समझ जाता है कि इसमें गर्व आ गया, इसको घमंड हो गया। तो समुंदर कहता है चलो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो क्या लेकर आओ, तुम मेरे लिए घास लेकर आओ। तो अब नदी कहती है चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है। तो नदी फिर जाती है वहाँ पे, मतलब वो अपना प्रयास करती है, फिर कहती है कि मैं ठीक है अभी मैं घास लेकर आती हूँ आपके लिए। तो नदी पूरे वेग से जाती है, पूरे रास्ते में बड़ी बड़ी घासें मिलती हैं, छोटी छोटी घास भी मिलती हैं। तो नदी अपना पूरा प्रयास लगा देती है, वो घास के ऊपर से निकलती है, घास झुक जाती है, पानी निकल जाता है ऊपर से। तो नदी अपना पूरा प्रयास लगा कर फिर आकर समुद्र को कहती है कि मैंने अपना पूरा प्रयास लगा दिया पर मैं घास को नहीं ला पाई। तो इस स्टोरी से यही मैसेज मिलता है कि समुद्र क्या है, कि वैसे तो चलो नदी नदी में वेग तो है ही और नदी में ताकत भी है, नदी कर तो सब कुछ मतलब पानी में शक्ति तो है ही, समुंदर ऊपर से शांत लगता है। समुंदर में ऐसा कुछ नहीं है, समुंदर में कोई हलचल नहीं, ऐसी कोई हलचल नहीं मच रही होती जैसे नदी में पूरा वेग होता है। पर फिर भी नदी हालांकि चुलबुली है, नदी में वेग है, नदी में पावर है, फिर भी नदी सब काम नहीं कर सकती। या दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो समुंदर में गहराई है, समुंदर में ठहराव है जो जो कि नदी में नहीं है। नदी को नदी तो बल्कि मौसम के अनुसार सूख भी जाती है, ऐसी कई नदियां होती हैं जो कि बारिश में पूरे वेग के साथ आती हैं और जब बारिश नहीं होती तो सूख जाती है नदी। तो थोड़े समय के लिए हमें लग सकता है कि नदी बहुत वेगवान है और बहुत शक्तिशाली है, पर ठहराव ठहराव कहाँ पर है, अनुभव कहाँ पर है, समुंदर में। और यही सिद्धांत, एक्चुअली यही सिद्धांत भक्ति में फॉलो किया जाता है। भक्ति में इसीलिए भक्ति में एक सिद्धांत होता है जिसमें केशवन प्रभु जी ने क्लास भी ली थी, तो तारतम्य, हायरार्की, हायरार्की होता है जैसे परिवार में सबसे बड़ा होता है, फिर छोटे होते हैं, फिर छोटे होते हैं, फिर बच्चे होते हैं ना सबसे नीचे। तो ये चीज़ भक्ति में भी होती है। भक्ति में मतलब हमने तो शुरू से यही सीखा है कि हम गुरु के समान कभी नहीं बन सकते, मतलब ये हमें सिखाया जाता है, हमने सीखा भी नहीं है, सॉरी हमने सीखा भी नहीं क्योंकि हम इस योग्य भी नहीं है कि हम सीख सकें, पर हमें सिखाया जाता है कि हम गुरु के समान नहीं कभी हो सकते क्योंकि उनका जो अनुभव है, हम उस अनुभव को चाहे हम इंफॉर्मेशन को मैच कर लें, चाहे हम लेक्चर्स एज इट इज ले लें, हम जितना मर्जी पढ़ लें पर अनुभव कहाँ से आएगा, समय तो आपको देना ही पड़ेगा, जितना उन्होंने समय दिया, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, हमने तो नहीं किया। तो इसीलिए एक परिवार में भी जो कहते हैं ना कि हमने फालतू में बाल सफ़ेद नहीं किए, कहते हैं कि अनुभव तो देखिए मायने रखता ही है, हर किसी का, बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का अनुभव मायने रखता ही है। और इसलिए परिवार में जो सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है उसको ही निर्णय लेने का अधिकार होता है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि डेमोक्रेसी, तो श्रील प्रभुपाद यही कहते थे हमारा जो ये क्या गणतंत्र, गणतंत्र है तो वो क्या है, डेमोनक्रेसी, वो आसुरी सिद्धांत है। यहाँ पर किसी को भी हम खड़ा करके वो डिसीजंस नहीं ले सकता, एक राज ऋषि होना चाहिए जिसको नॉलेज भी हो, जिसको अनुभव भी हो, और वो डिसीजंस लेके बताएगा कि हमें क्या करना है। आज भी हमें भी, जैसे हम भी अब यहाँ कपूरथला में हैं, तो ये डिसीजन भी हमारा नहीं है,
या हम कल कहाँ होंगे, या हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं किस प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, ये डिसीजंस भी हम एक एक चीज छोटी छोटी चीज भी पूछ के कर रहे हैं। हालांकि ऐसी जरूरत नहीं है, नहीं, पर फिर भी हम वो तारतम्य फॉलो करते हैं, और वो तारतम्य फॉलो करने से ही हम बचे हुए, क्योंकि हमें वो समझ भी नहीं आता उस समय की क्या चीज़ें चल रही हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत यही है कि डिसीजन मेकिंग, तो जो सबसे जो वृद्ध व्यक्ति है, वही जो सबसे अनुभवी, जिसमें अनुभवी व्यक्ति है, जिसमें ठहराव है, वो डिसीजंस ले। हर किसी को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता नीति के अनुसार, ठीक है। इसलिए हमसे हो सकता है कि वो दीनतावश, या हो सकता है कि, क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें भगवान मूर्ति क्यों नजर आ रहे हैं। नहीं, कई लोग बोलते हैं कि ये तो भगवान मूर्ति है, आप मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति की पूजा तो ऐसे शास्त्रों में है नहीं। फिर हम बताते हैं कि ये मूर्ति नहीं, भगवान के विग्रह हैं। पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली हमारा जो स्तर है वो पत्थर और लकड़ी का ही है। मतलब हमारा स्तर, हम लकड़ी और पत्थर ही अभी देख सकते हैं, इसलिए भगवान ने कृपा करके भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। वैसे उत्तम अधिकारी को भगवान को मंदिर में देखने की आवश्यकता नहीं है, उत्तम अधिकारी तो हर व्यक्ति के हृदय में और हर वस्तु में भगवान को देख सकता है। हम मिट्टी और पत्थरों से ऊपर नहीं देख सकते अभी, इसलिए भगवान स्वीकार करते हैं अपनी सेवा, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान यहाँ विग्रह में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार हो सकता है कि हमसे हमारा ओपिनियन मांगा जाए, जिस प्रकार यहाँ पर है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत होना ही चाहिए और मत होगा भी, और हमसे हमारा मत पूछा भी जाएगा। पर एक अच्छा सेवक कौन है? अच्छा सेवक वही है जो अपने स्वामी का की इच्छा समझे। मत हमारा पूछा जाएगा, पर धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहती है, कि आप ये समझो कि स्वामी की इच्छा क्या है। और यही तो हम कर रहे हैं एक्चुअली। हमारा अगर हमें छोड़ दिया जाए तो मंगल आरती में कोई नहीं आएगा, सुबह कोई नहीं उठेगा, और लेक्चर तो सुनना तो दूर की बात है। पर एक्चुअली हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर हमें लगता है कि हम फलाना फलाना गुरु के पास जा रहे हैं, या उसको हम गुरु क्यों माने, उसको हम गुरु क्यों माने, क्योंकि ये तो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं ना। पर एक्चुअली हम किसी गुरु को नहीं मान रहे, हम किसको मान रहे हैं? हम भगवान तो को तो माने, पर भगवान को कैसे मान रहे हैं? हम किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? अगर हम व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो फंस जाएंगे। व्यक्ति को तो रिस्पेक्ट देना ही है, पर बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए, उस व्यक्ति को किसने रखा है? मतलब अगर हम डिवोटीज की भी हम कहते हैं कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए, अगर पिक्चर में भगवान नहीं है ना, तो वो वैष्णव सेवा नहीं होगी। आप पर्सनल उसको खुश कर रहे हैं, अगर भगवान पिक्चर में नहीं होंगे, और इसलिए सब भक्त फंस जाते हैं, क्योंकि हम पर्सनल लेवल पर रिलेशंस बना लेते हैं। धीरे धीरे पर्सनल रिलेशंस बनने लगते हैं, होते ही है, आप करके मतलब आप देखिएगा। पर एक्चुअली हम किसी व्यक्ति को हम नहीं उठा रहे, हम किसको उठा रहे? हम धर्म को उठा रहे, क्योंकि धर्म ये कह रहा है। तभी तो हम बोलते हैं व्यास पूजा, व्यास पूजा, गुरु पूजा नहीं बोलते ना हम। व्यास पूजा एक्चुअली व्यास देव का सम्मान है, और व्यास देव का सम्मान यानी कि भगवान का सम्मान, इस प्रकार हमें देखना चाहिए। तो आप धर्म को ऊपर रखेंगे तो हम कभी भी हम विचलित नहीं होंगे। एक बच्चा जब तक, तो बच्चा हो सकता है अपने दादा की रिस्पेक्ट करे, पर फिर वो पड़ोस में जो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति है उनकी तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। पर अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हो तो आप हर वृद्ध व्यक्ति की रिस्पेक्ट करोगे, और जब आप धर्म को ऊपर रखोगे तो आप समझ जाओगे कि वृद्ध व्यक्ति से भी इंपॉर्टेंट कौन है? धर्म। तभी तो हम यहां बैठे। मतलब वैसे तो देखा जाए तो सबसे वृद्ध व्यक्ति यहां बैठना चाहिए ना। नहीं, हम धर्म को ऊपर रख रहे हैं। आपको मेरे को भी नहीं सुनना, हो सकता है मैं कल कहीं हूं और हूं, हो सकता है कल मैं क्या कोई मूवी में मैं रोल कर रहा हूं। नहीं, किसने किसने देखा है कि हम जीवन भर भक्ति करेंगे? किसने नहीं देखा?
या कुछ भी हो सकता है, कल को फ़ोन आए तो मेरे को जाना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही था, एक बार बटाला में हम थे तो एक भक्त थे, वो अपना सब कुछ ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर, मतलब ब्रह्मचारी आश्रम उन्होंने ज्वाइन किया था, घर बार छोड़कर आ गए। एक फ़ोन आ गया बस घर से, और वह उसको तुरंत घर चले गए। एक फ़ोन आने की देर है बस, वो कहेंगे इमरजेंसी, आप क्या करोगे बताओ, आप कुछ नहीं कर सकते, और जहाँ जाएंगे फिर वहाँ तो फंसना होता ही है। तो इसलिए हम ये कब कर पाएंगे, जब आप किंतु वे सभी मतभेद श्री कृष्ण में मिल जाने चाहिए। वो कब होगा, जब आप धर्म को ऊपर रखेंगे, जब आप व्यास आसन को ऊपर रखेंगे, जब आप व्यास आसन को रिस्पेक्ट देंगे। और व्यास आसन पे कौन, तो हम किसी को नहीं बिठाते, व्यास आसन पे जो बैठ रहा है वो तो भगवान ही उसको शक्ति दे रहे हैं ना, भगवान उसको शक्ति दे रहे हैं, हम डिसाइड नहीं करते। तो इसलिए हमें एक हायरार्की फॉलो करनी है, हमें एक तारतम्य फॉलो करना है, और उस तारतम्य फॉलो करना है। तो उससे एक और बेनिफिट है एक्चुअली, एक बच्चा जब तक, जैसे हम स्कूल में थे ना, तो हमेशा हमें लगता था कि कब हम कमाना शुरू करें, और जैसे ही 10th क्लास ख़त्म होती है तो बस 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, और उसमें तो ज़रूर हम पॉकेट मनी कमाते हैं। उसमें मैं भी निकल गया था, तो मैंने भी जॉब की थी, और हमें भी ये था कि पैसे आएंगे और हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो वो दिन है, और उसके बाद जब बच्चे को पता चलता है कि पूरा जीवन मैंने पैसे कमाने, भी वो कहता है मैंने नहीं कमाना है। ऐसे होता है, गाड़ी चलानी है, बच्चा बड़ा शुरू में बहुत उत्साहित होता है, अरे गाड़ी चलानी है, मैं तो गाड़ी चलाना सीखूंगा और मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो पिताजी कहते हैं कि अभी तो तुम सीख रहे हो, बाद में तुम खुद भागोगे। और बाद में ये होता है, बाद में जब परिवार वाले कहते हैं हमें मार्केट लेके जाओ, हमें यहाँ लेके जाओ, हमें वहाँ लेके जाओ, तब पता चलता है हम तो ड्राइवर बन के रह गए। तो शुरुआत में हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रेयस और प्रेयस। हमें चीज़ अच्छी लग रही है, वो प्रिय लगेगी आपको, नदी का वेग बहुत अच्छा लगेगा आपको लगेगा, बल्कि आपको लगेगा कि समुद्र तो शांत बैठे तो कुछ भी नहीं कर रहे, आपको नदी के ही साथ चलना चाहिए। पर नहीं, वो गलत होगा, आपको धर्म के साथ चलना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था, इससे एक और बेनिफिट है कि एक बच्चा हमेशा, इसलिए जब तक वो माता पिता के पर आश्रित है वो खुश रहता है, जैसे ही वो जॉब करने लगेगा वो उसके चेहरे पर शिकन आने लग जाएगी, शादी होगी तो और बेचारा फ्लैट ही हो जाएगा, वो गुब्बारे में से हवा निकल जाती है ना, तो बस वैसा जीवन चलता रहता है। तो पर बच्चा जब तक माता पिता पर आश्रित है वो खुश है, पर बच्चे के मन में हमेशा होता है कि मैं बाहर निकलूं और मैं उड़ूं। पर माता पिता को पता है कि जब तक मेरे आश्रित है तो ये खुश है, ऐसे ही है ना। इसीलिए जब तक हम भगवान की बात मानते रहेंगे, तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य कह रहे हैं कि जो एक्चुअली भगवान की बात मानता है, यानी कि जो धर्म को फॉलो करता है, वो सनात है, उसके उसके नाथ हैं, बाकी सब अनाथ हैं, क्योंकि बाकी सब अपने मन से चल रहे हैं। आज हम आ रहे हैं कल नहीं आएंगे, ऐसे ही है ना, कभी हमारा मन किया तो हम आएंगे, मन किया तो नहीं आएंगे। तो जो मन से चल रहा है वो अनाथ है, पर जो धर्म से चल रहा है वो कभी भी अनाथ नहीं हो सकता। और खुश रहने का तरीका यही है। और रियल बेनिफिट, अगर आप उस पर भी गहराई में जाएं, समुद्र में गहराई होती ना, तो आप और अगर गहराई में जाएं तो आपको मोती मिलेंगे। और वो मोती क्या है कि जब तक बच्चा माता पिता पर आश्रित रहता है तो बच्चे को कोई रिएक्शन नहीं आता, माता पिता सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं ना, बच्चे को पता ही नहीं चलने देते, बच्चे को आप दूध दही आप मिलता रहेगा, पर माता पिता हो सकता है कि भूखे रह रहे हो। तो एक्चुअली प्रकृति के नियम बच्चे पर तब काम नहीं करते, इसलिए ऐसा माना भी जाता है ना कि एक आई थिंक 12 साल तक तो बच्चा जिम्मेदार नहीं होता अपने जो डिसीजंस के लिए, क्योंकि बच्चा बच्चा है। तो जब तक हम किसी को अथॉरिटी मान रहे हैं, जब तक हम धर्म को मान रहे हैं, तो आप नियमों में, आप एक्चुअली रिएक्शंस में, क्या बोलते हैं, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप तो यही कहेंगे मैंने धर्म के अनुसार किया। तो धर्म के अनुसार अगर आप चलेंगे, अगर आप धर्म को ऊपर रखेंगे, तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने अपने
पत्नी को सैक्रिफाइस कर दिया, बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया, पर आज भी उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि वो किसके साथ चले? धर्म के साथ चले। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, जहां हमने अपना डिसीजन ले लिया, बल्कि हमने तो मतलब एक बार नहीं सैकड़ों बार हमने देख लिया कि जब जब हम अपने मन से डिसीजन लेते हैं वो गलत ही होता है। आज भी हम अपने मन से जो डिसीजन लेते हैं गलत ही होता है, और इसलिए हम तो मतलब प्रयास यही करते हैं कि डिसीजन ऊपर से आए, तो उसमें फिर हम लिप्त नहीं होते। डिसीजन ऊपर से आना चाहिए, तो फिर आपको डिसीजन मानने का तो मन भी करेगा। आप इन चीज़ों को रियलाइज करेंगे ना, तो आप खुद समझ जाएंगे ये कितनी पावरफुल चीज़ है। ये एक सिंपल कोटेशन नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल कोटेशन है ये। और तब अगर हम ऐसा करेंगे तभी सभी मतभेद श्री कृष्ण में मिल जाने, तभी ऐसा संभव है कि हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं। सिंपल सिद्धांत है, ठीक है। एक कोटेशन है पर बहुत हैवी कोटेशन है ये, पूरे दिन आप इस पर सोचिए, पूरा जीवन सोचना है, एक दिन तो क्या सोचना, पूरा जीवन सोचना है इस पर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।